हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाला ये फोकाशिया ब्रेड आज बनाएंगे हम बहुत ही आसानी से। और जो लोग पेड़ ये ऐसे ब्रेड और रेसिपी सिखा रहे हैं हमारे चैनल पर, आप आसानी से और बिल्कुल फ्री में सीखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, उसमें ले लेंगे हम 1.5 कप गर्म पानी। यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया था और उसमें हम डालेंगे यहाँ पर कम से कम 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 टीस्पून लेंगे हम शुगर और इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, यानी कि हम आधा चम्मच इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच या थोड़ा बहुत हम बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और कम से कम हम इसे 10 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए ढक्कन ढककर रख देंगे। तो इतना हम इसे 10 मिनट के लिए रखते हैं, इतना हम इधर ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने रेडी कर लेते हैं। तो इसमें डाल लेते हैं हम 1.5 कप मैदा और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, और नमक डाल करके हम इसे छान लेंगे। तो इसे छानना जरूरी है। छानने के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे जिससे कि नमक जो है वो सारे मैदे में अच्छे से मिल जाए। तो गाइज, उसके बाद 10 मिनट हो चुके थे, यहाँ पर हमारा यीस्ट भी फर्मेंट हो चुका था। ये देखिए, इसमें ऊपर बबल्स से आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यानी कि ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो गाइज, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डो रेडी कर लेना है। तो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छाने थे, हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा यीस्ट का पानी मिलाएंगे और इसे गूंदना शुरू करेंगे। आप एक साथ ज्यादा ना डालें, फिर वो बहुत पतला हो जाता है तो आपको गूंदने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और इसे गूंद लें। तो ऐसे ही आपको इसमें वैसे नॉर्मल पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यीस्ट से ही अच्छे से गूंद जाएगा। गाइस, आज मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है क्योंकि गला खराब है, तो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। अब हम इसमें यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद ऑयल को पूरे जो डो है उस पर अच्छे से लगाएंगे, और लगाने के बाद इसमें हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और गूंद लेंगे। तो इसमें ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा इसको गूंद लें और इसको कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए आप रख दें। तो इतना हम उसको रखते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में ले लिया था ऑलिव ऑयल, और जैसे ही ऑलिव ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए क्लोव्स, और यहाँ पर तुलसी के पत्ते ले लिए हैं। तुलसी के पत्ते और ये हैं जो फोकाशिया ब्रेड को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इतना फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका प्रॉपरली कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो लहसुन है, जो क्लोव्स है हमारा, उसका भी रंग जो है बहुत अच्छा कलर चेंज हो गया है। तो अब ये यहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा हो गया था, 1.5 घंटे के बाद मैंने देखा कि ये भी बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो अब हम इसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद हल्का सा हाथ से अच्छे से गूंथ सा लेंगे, और उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और इसके डो को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे और हाथ से ही हम इसे आराम आराम से फैला लेंगे। तो हमें यहाँ पर बेलनी वेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फैलाएं इसको। कम से कम इसकी मोटाई जो है अच्छे से होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये टिन ले लिया था, स्क्वायर टिन, और इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने इसको ग्रीस कर लिया था टिन को, क्योंकि ग्रीस करने से जो ब्रेड है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आप अच्छे से बिना डरे इसको पूरे मोल्ड में फैला लें। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको पूरे को सही से करके कोने जो है वो भी अच्छे से इसमें लगा दिया है। तो आपको बहुत इजी रहेगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बस इसको आपको ऐसे फैलाना है और इस पर डाल देंगे हम जो हमने लहसुन और तुलसी के पत्तों का जो मिक्सचर रेडी किया था, और उसे डालने के बाद इसको चारों तरफ फैला देंगे। ये देखिए, इस चीज़ का टेस्ट जो है ना बहुत बेहतरीन लगता है, सच में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ बेल पेपर्स लिए थे जैसे रेड कलर के, और ये सब मैं इसमें लगा दूंगी, कुछ येलो कलर के। इससे क्या होगा, इसका फोकाशिया ब्रेड का कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। थोड़े से यहाँ पर मिक्स हर्ब्स लेंगे। आपको गाइस यहाँ पर ऑलिव्स भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, कि जो भी आप लेंगे जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कम से कम हम इसे 15 मिनट के लिए कपड़ा ढक करके रख देना है। तो जैसे ही आपको लगेगा कि 15 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए ये राइज होगा। ये देखिए गाइज, पहले कैसा था और अब कितना राइज हो गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको फिंगर से टच देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें फिंगर डालूंगी आराम आराम से, और इससे क्या होगा, इसका फोकाशिया ब्रेड का जो है टेक्सचर जो है जैसा होता है वो रेडी हो जाएगा। अभी हमें फिर कम से कम 10 मिनट इसे रख देना है, क्योंकि ये और राइज होगा। आपको इसे बनाने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि देखिए ये फर्मेंट भी होता है, और आपको खुद नज़र आएगा, देखिए और राइज हो गया है। बस अब हमें क्या करना है, इसे 180 डिग्री पर कम से कम 25 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। तो बेक करना
बहुत इजी रहेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे कुकर में या कोई आपके पास बड़ी कढ़ाई उसमें बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये बहुत अच्छा बेक हो चुका था, 25 मिनट लगे थे, और आप खुद देखिए कितना अच्छा ब्रेड रेडी हुआ है। मैं आपको इसको यहाँ पर तोड़ कर दिखाऊंगी, ये मार्केट जैसा ब्रेड। आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राई करें और इतना अच्छा आपका ब्रेड बनेगा कि आप मार्केट से कभी नहीं लेकर आओगे। सच में बहुत बढ़िया बनता है, और मैंने इसको पीसीज में भी कट कर लिया था। ये देखिए मैंने, गाइस सब ने इसको बहुत अच्छे से खाया। आप एक बार इसे जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब